आनी है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर कभी भी उसके जाल में, न्यूज़ के अनुसार वीडियो बदलती रहेगी। यानी कि रमेश की शादी थी, रमेश के 5 दोस्त हैं और पैसे पड़े हैं शेयर को खरीदने के लिए, वो आप कैसे खरीदोगे सर? बेकार न्यूज़ में तो आप शेयर नहीं खरीदते सर, अच्छी न्यूज़ में शेयर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, और वोडाफोन आइडिया में एक बहुत ही बेहतरीन जो खबर आई है जिसमें सरकार ने स्पेक्ट्रम शुल्क 40,000 करोड़ का, जो ऑपरेटर के लिए 40,000 करोड़ रुपये का जो स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया था उसको सरकार माफ़ कर सकती है, ये न्यूज़ आज आ गई है। ये एक न्यूज़ सर वरदान है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो ज़्यादा ही वरदान है, बाकी अदर्स के लिए हो सकती है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मैंने आपको सर पहले कहा था कि जिस तरह की न्यूज आएगी उस तरह के हिसाब से ही वीडियो बन जाएगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सर, कुछ चीज़ अच्छी दिखाकर ही अच्छे लोगों को लालच दिया जाता है। जब तक कि अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी तब तक कि आपके जेब में जो पैसे पड़े हैं शेयर को खरीदने के लिए, वो आप कैसे खरीदोगे सर? बेकार न्यूज़ में तो आप शेयर नहीं खरीदते सर, अच्छी न्यूज़ में शेयर खरीदोगे, और अच्छी न्यूज़ में आप शेयर नहीं बेचोगे क्योंकि आपको उम्मीद हो जाती है कि इस शेयर में आपको और ऊपर तक की एक संभावना मिल रही है, और वो हमेशा ही आपके दिल में चलता ही रहता है। वो बता दूं सर, न्यूज़ के अनुसार वीडियो बदलती रहेगी। यानी कि रमेश की शादी थी, रमेश के 5 दोस्त हैं और रमेश की उसमें शादी होने वाली है अगले महीने, तो 5 दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी कार सेपरेट कार करके जाएंगे, जो भी तेल का होगा उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, यानी 5 दोस्त तेल को डिवाइड कर लेंगे, पेट्रोल का खर्चा जितना भी आएगा तो वो जाएंगे। अब शादी है 1 महीने बाद, उन्होंने डिसाइड अब कर लिया, तो अब की सिचुएशन से बात की जाएगी, बातचीत होगी, वीडियो बनाई जाएगी, और 1 महीने बाद जब शादी होती है तो 5 में से 1 दोस्त बीमार पड़ जाता है, तो यानी कि अब 4 लोग जाएंगे तो वो जो खर्चा भी है बढ़ जाएगा। अब वो वीडियो जो बनाई जाएगी सर, वो 4 दोस्तों को देखते हुए बनाई जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि कल अगर एक वीडियो में आपको कुछ निगेटिव चीज़ बता दी न्यूज़ को देखकर, तो आज न्यूज़ को देखकर आपको पॉजिटिव चीज़ भी बताई जा सकती है। फिर भी मेरा मानना है सर, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद ही आपको अंदेशा है, ऐसा लग जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा कि इसके रिजल्ट में सब्सक्राइबर कितने कम हुए हैं, कितने इसमें लॉस हुआ है, इसके बैलेंस शीट क्या बोल रही है, और क्या क्या इसके आगे प्लान होंगे, क्योंकि प्रमोटर भी इसके अंदर फंड डालने की खबर थी वो भी अभी कहीं पता नहीं लग रही है, फंड आने की इसकी खबर थी वो भी कहीं पता नहीं लग रही, सिर्फ एक खबर यही है कि 40,000 करोड़ रुपये जो इनके ऊपर शुल्क था उसको सरकार माफ़ कर सकती है, ऑपरेटर के लिए दूसरे ऑपरेटर की जो शुल्क था उसे माफ़ कर सकती है, और एक न्यूज़ ऑडियो की जो 4 साल की जो इनको छूट दी गई है उसमें इस कंपनी को सुधरने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है, इस कारण से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और ये शेयर बड़ी तेज़ी में है। मानने वाली बात सर ये है कि जितनी भी स्थिति इसके अंदर बनाई जा रही है शेयरों की प्रति, उतनी स्थिति के अनुसार ही काम हो जाता है। मैंने कल आपको भी कहा था कि इसके अंदर 2 दिन की तेज़ी फिर गिरावट होना शुरू, और वो ही आज आपको थोड़ी सी गिरावट दिखी। वैसे तो मार्केट आज सारी गिरावट में थी सर, सारे के सारे करेक्शन हो रहा था, 600 पॉइंट मार्केट के नीचे की तरफ जा रही थी, तो उसके अनुसार ही मैं आपको बता दूँ सर, हर शेयरों में तो गिरावट आनी है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ों को देख कर कभी भी उसके जाल में फंसने की कोशिश मत करें, दूर बैठकर कोने में एक चीज़ देखें, एनालाइज़ करें, उस एनालाइज़ के अनुसार आप जब भी उसके ऊपर सही निकलते हैं तो उस तरीके से आप किसी भी शेयरों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अच्छी अच्छी खबर तो सर बिग बाजार के लिए भी आई थी, डील हो रही है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, आलोक इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर आई है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे समझ लें कि जो कर्ज में इतनी डूबी हुई कंपनी है उसको सिर्फ रिलीफ मिलने से ही ये अच्छा काम कर लेगी, क्योंकि इसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो कम होता जा रहा है और उसको देखते हुए भी हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यूज़ है सर तो उसको आप रिजल्ट के बाद बनाओ, रिजल्ट के बाद आपको सब पता लग जाएगा कि इसकी कहानी कहाँ तक जानी है। अब तो इतनी अच्छी खबर है इसकी सर, इस वजह इस खबर से तो कल इसको बढ़ना चाहिए, वो तो कल ही पता लगेगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आई है तो उसके अनुसार ही इसके अंदर अब लोग खरीदारी करने के चक्कर में लग जाएंगे और कुछ दिनों बाद ही वो परेशान होकर मनोबल तोड़कर अपना शेयरों को बेचकर बाहर निकल जाएंगे। जितना प्रॉफिट आपने ले लिया, फिर बता रहा हूँ, उसमें संतुष्ट होना सीखिए, और जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक के आप कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं करते। आराम करिए ज़िंदगी में सर, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, खाना खाते हुए सिर्फ खाने में ध्यान रखिए, और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी किस्मत पलटेंगे। तो वोडाफोन आइडिया में सिर्फ महत्वपूर्ण खबर यही है कि अब जो स्पेक्ट्रम शुल्क की जो माफ़ी है
हो सकती है, यानी कि हो सकती है सर, ये भी सोच लेना उसके अनुसार इस शेयरों में क्या रिएक्ट पड़ता है। तो कल देखेंगे, कल इसके कोई न्यूज आएगी तो अच्छी से एक वीडियो बनाएंगे। और फिलहाल तो ये छोटी सी वीडियो में ये बताने वाला था मैं आपको कि तेज़ी के भाव में बहना मत, तेज भाव ही लोगों को बहा के ले जाता है। शांत शांत रहिए, मन को शांत कीजिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, और चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।